जी हाँ, वीडियो में बात करने वाले हैं सेवन टाइम ब्लिंकिंग कोड आ रहा है। सेवन टाइम ब्लिंकिंग जो लाइट है वो बार बार ब्लिंक कर रही है, रेड लाइट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ब्लिंकिंग कोड क्या है और क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसमें जो प्रॉब्लम है वो पीसीबी की प्रॉब्लम है। पीसीबी हम खोल कर ले जाएंगे और इसको सही कराएंगे या नहीं लगाएंगे। तो ये हमने पीसीबी जो नहीं लगा दी है, तो हम यहाँ पीसीबी लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये जब मोटर के तार हैं, ये मोटर के तार लगा रहे हैं हम। इसमें मोटर के सब कुछ आपको लगाना होगा। कैसे लगाना है मैं सब बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मोटर के तार लगाने हैं, ये आपको कनेक्शन करने हैं, पावर जो कनेक्शन होंगे इसके, पावर लाइट्स कनेक्शन, न्यूट्रल लाइन, फेस, सब इसमें आपको लगाने हैं सही तरीके से। तो यहाँ पर आप सब लगा देंगे, अच्छी तरह से लगा देंगे। ये हमने लाइन तार लगा दिया है, लाइन वाला। ये अब हम लगाएंगे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लगाएंगे हम, ये न्यूट्रल तार लगा रहे हैं। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बिल्कुल आपको बता देंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आपको बताएंगे, समझाएंगे किस तरह से ये सॉल्व करनी है। इसमें जो 7 बार ब्लिंक कर रहा था, तो ये डिस्प्ले हम जो पीसीबी हमने चेंज कर दिए। ये जो आउटपुट देगा कंप्रेसर को वो लाइन है, ये आउटपुट कंप्रेसर जो लाइन जो होती है वो लाइन है ये। इसमें एक ट्रांसफार्मर रखा होता है छोटा सारा, ट्रांसफार्मर तार हमने लगा दिए हैं पहले। ये जैक है, डिस्प्ले का जैक लगा रहे हैं हम, और यह स्विंग के जैक रहेंगे 3। इसमें 2 स्विंग जो होते हैं साइड में होते हैं, एक स्विंग जो होता है ऊपर नीचे करने का होता है स्विंग। ये स्विंग के तार हैं, स्विंग के जैक हैं, स्विंग हम लगा देंगे इसके अंदर। कोई दिक्कत अगर आती है, आपको लगता है कि ये स्विंग नहीं कर रहा, या मोटर नहीं चल रही, या डिस्प्ले काम नहीं कर रही, या रिमोट काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, इसमें हम आपको बता देंगे। कोई दिक्कत आएगी तो बिल्कुल आपको समझा देंगे ये प्रॉब्लम है। ये हम पीसीबी फिट कर देते हैं इसके अंदर। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़रूर कर देना, लाइक शेयर वीडियो ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम आपको दिखाएंगे इस एसी को ऑन करके और बिल्कुल परफेक्टली चला कर दिखाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में स्टार्टिंग में चलाया, तो आप देख रहे होंगे कि 7 बार ब्लिंक कर रही थी लाइट। और हम आपको दिखाएंगे फिटिंग करके एसी को पूरा फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद अच्छी तरह से इसमें सब कुछ तार लगा लेंगे, अपने कनेक्शन कर लेंगे। इसमें सेंसर हैं, सेंसर अपने सेट कर देंगे, कॉइल सेंसर अलग लगाएंगे, रूम सेंसर अलग लगाएंगे, सब आपको लगा लेने होंगे, सेंसर अच्छी तरह से सेट करने होंगे। और यहाँ पर जो एक हमने तार काट रखा था, जो एक जंगाल खाने की वजह से वो नहीं खुल रहा था, तो अर्थिंग का तार है, वो अर्थिंग का तार भी अब इसमें अच्छी तरह ज्वाइन कर लेंगे। ये तार आपको अर्थिंग का ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम बॉक्स लगाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जो बॉक्स है इसका फिटिंग करेंगे अच्छी तरह से। फिट करने के बाद हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। ये हम बॉक्स लगा लेते हैं, और ये बॉक्स लगाने के बाद आपको दिखाएंगे सब कुछ अच्छी तरह से करके। कोई दिक्कत आए कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि यह प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें पीसीबी में जो प्रॉब्लम थी वो आपको बता देंगे। अगर आप कस्टमर हैं तो हम आपको बता देंगे, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो भी आपको बता देंगे। इसमें देखिए लाइट बिलिंग कर रही थी, वो लाइट बिलिंग करना ख़त्म हो गई है। ये रेड लाइट है सिर्फ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सिग्नल जलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिलिंग करती है और ऑन नहीं होता एसी तो प्रॉब्लम है। अब हम रिमोट से ऑन करेंगे और आपको दिखा देंगे। रिमोट से ऑन करके ये चल गया, देखिए ये आवाज़ इसमें जो फ्लो है फ्लो आने लगा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। कोई दिक्कत आती है इसी तरह की तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। हर कोड्स के बारे में आपको बता देंगे, हिटाची का कोई भी कोड हो सब आपको बताएंगे। ये फिटिंग कर देते हैं हम। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से हमारे जुड़े रहें।